आज है लोहड़ी नहीं, आज लोहड़ी है और हमारे घर पे फंक्शन है। तो अभी हमने चीजें तो ली नहीं है, मैं कंबल में बैठा हुआ हूँ कि ठंड है यहाँ पे सोलन में। और आज डेट है 13 और मेरा बर्थडे भी आ रहा है 25th of January को। और मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट लिया है ना मेरे दादू ने, उन्होंने मेरे लिए एक मैकबुक 2022 का 1,12,000 का वो लिया मैकबुक। हाँ, और मैं अभी आपको बाहर जाके दिखाता हूँ कि सोसाइटी में भी फंक्शन है, तो मैं उसका दिखाता हूँ आपको। ओके, तो हम बाहर आ गए हैं और हमारी यहाँ पे एलवी बैठी हुई है। एलवी यहाँ पे एलवी बैठी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पे रात को लाइट्स लगी हुई थी, अभी तो आपको ग्लो में दिखे या नहीं, वहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा कि वो है वो वुड जो रात को जलाने वाले हैं। और हमारा भी सारा सेटअप यहीं पे होगा, अभी तो कपड़े सूख रहे हैं। तो हाँ, बाय बाय एलवी, एलवी एलवी बाय, चल दे एलवी बाय, इग्नोर। हाँ, तो वो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ मुझे क्रिसमस पे क्या मिला। मैं बाय द वे मैं अभी मम्मा के फोन से शूट कर रहा हूँ। तो एक तो ये है कवर पॉपिट वाला, पर ये दबता नहीं है। एक ये है सिपर मेरा, वहां पे ग्लो वो है मतलब स्पार्कल्स। और फिर है ये नारुतो का एक एक्शन फिगर, बहुत बड़ा सा और भाई साहब बहुत सही लगता है। और मुझे दिए थे फ्लेमिंग हॉट चीटोस जो कुछ ज्यादा ही फ्लेमिंग हॉट थे। और जो मैंने आपको पहले अपनी पोकेमॉन कार्ड्स की कलेक्शन दिखाई थी वो अब बहुत कम लग रही है, अब देखो। हाँ, तो मैंने वो सिल्वर टेम्पेस्ट खोला था अपने क्रिसमस वाले दिन पर। तो सिल्वर टेम्पेस्ट से मैंने 35 या 36 कार्ड्स खोले और उसमें से हर एक में 10 थे, तो आप गिन सकते हो। अभी है मेरे पास 504 कार्ड। इस तो कैमरा क्वालिटी थोड़ी आपको अलग लग रही होगी क्योंकि मैं अभी अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, मामा कुछ फ़ोन पे अपना काम कर रहे हैं। तो हाँ, देखो मैं अभी अभी नहा के निकला हूँ, ठीक है, एज़ यू कैन सी। और मुझे बाहर आते ही देखो क्या मिला, एक नया सिपर और इसमें ऐसी फेक आइस जैसी लगी हुई है, आइसक्रीम वाला सिपर है। और ये कंपेयर टू माय ओल्ड सिपर, कंपेयर टू माय ओल्ड सिपर इट इज़ प्रीटी बिग। इसके ईयर्स भी बहुत बड़े हैं, इसके देखो निक्के निक्के, इसके इतने बड़े बड़े। एंड दिस इज अ गिफ्ट बाय जो मम्मा ने दिया है मुझे लोड़ी पर, लोई पर। और बाहर चलते हैं और पूरा ऐसे देखो आपको दिखाता हूँ, पूरा रेनी मौसम जैसा पड़ा ये खुलता है, पूरा ऐसे रेनी मौसम हो रहा है अभी, बारिश शायद से, हाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी। ये देखो पूरा रेनी मौसम है, बारिश हो रही है एंड इट इज़ लुकिंग प्रिटी गुड। और शिट, हमारी जो झूले वाली जगह है उस पर हम वहाँ पे ऐसे पैर रख के ब्रेक लगाते हैं झूले का, पर अब वहाँ पे आप देख सकते हो गए पानी भर गया, अब हम झूला भी नहीं झूल सकते। मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, आज है लोई, तो लोई के दिन हम आग वो जलाते हैं और उसमें चीज़ें डालते हैं, तो आज सोसाइटी में भी फंक्शन है, तो वो कैसे होगा? नहीं, वो तो हो ही जाएगा क्योंकि अंदर है, पर पानी अंदर तक ना आ जाए तो लगता है कुछ, तो देखते हैं, होप्स हो कि पानी अंदर ना आए, फंक्शन ख़राब हो जाएगा। पर यस, अभी तो
काले बादल छाए हुए हैं, कोरा ही कोरा। और ये रहा मेरा ग्रूट, उसका प्लांट सारा उजड़ गया था ऊपर से। सो या मैं करता हूँ थोड़ी देर बाद में। ओके सो मैं अभी बैठा होगा, आपको पीछे बैठा हुआ था और आपको पीछे रिंग लाइट दिख रही होगी। तो मैंने अभी कम से कम 3 रील्स और शॉर्ट्स शूट की है, मतलब रील्स के लिए शूट की थी पर वो शॉर्ट्स पे डाल दी मैंने अपने। तो प्लीज़ चेक इट आउट, मैं अपने उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा रील्स वाले चैनल का। सो चेक इट आउट और मेरी शॉर्ट्स की वीडियो भी देखना। अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ, बोर हो रहा हूँ। जैसा कि मैं बोल रहा था कि आज सोसाइटी में फंक्शन है, तो नीचे देखो क्या हुआ है अभी, मतलब पूरा तैयार हो गया। हाँ सोसाइटी में भी फंक्शन था तो अभी चेयर्स और ये सब लगाए, पर हमारा तो अपना ही घर पे है। सो अभी मैं देख रहा था क्या है छोड़ो, किसी की वीडियो नहीं देख रहा था, मैं बाहर बैठा हुआ था, वीडियोस देख रहा था टीवी पे। और मैंने फिर गैलरी में आया, मैंने देखा वो सोसाइटी में जो फंक्शन था वहाँ पे इन्होंने वो लगाया जो आग वाला था, पर फिर फंक्शन में आ गई रुकावट, आ गए वो मतलब बारिश हो गई एंड उनका सारा वो खराब हो गया। तो अब नाउ इट्स टाइम टू शाइन, अब हमारा है टाइम वो करने का, लगाने का। तो अभी पापा तैयारी कर रहे हैं, सो या अभी वेट करते हैं। यहाँ पे एलवी का काम चल रहा है, वो मतलब कोई भी होता है ना, जैसे मतलब कोई नॉर्मल आदमी घूम रहा है वहाँ पे, तो सारे चले गए, तो कोई नॉर्मल आदमी घूम रहा है या फिर बी ब्लॉक की एंट्रेंस पे आ रहा है, ये उस पर इतना भौंकेगी, इतना भौंकेगी बंदे को पागल कर देगी। अभी तो दूध वाले अंकल या वो कोई डिलीवरी के लिए भी कोई आया हो उसके ऊपर भौंकेगी, तब हमें पता लगता है हाँ भाई कोई आया है, वरना डोर बेल तो बजा ही देते। उससे पहले ये भौंकने लगती है, जैसी दरवाजे खुलने की आवाज़ आई इसको पता लगता है पापा आ गए, तो ये गेट के बाहर गैलेक्सी और ये खड़े हो जाते हैं। अगर कोई वो अलग आदमी आया तो ये भौंकने लग जाएगी उस पर वहाँ बाहर से। गैलेक्सी अपना लेटी हुई है आराम से, गिल्लू हाय हाय बोल, हाँ चलो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसका कंबल है और हाँ यहाँ पे ये बैठी रहती है। और ये सुबह के मतलब सुबह के 6 बजे पापा को उठाती है, बोलती मुझे बाहर जाना है, हाँ क्योंकि इसका बाहर खुद का एक घर जैसा है छोटा सा शेड, हाँ और बाहर जाती है फिर वहाँ पे शेड के अंदर अपना घुस के बैठ जाती है, फिर अंदर आती है शाम के 6 बजे, बोलती है अंदर ले आओ मेरा कंबल और ये इसका ये सारा आप देख सकते होंगे सामान, देखो ये ऐसे डरा के पीछे भगाती है, मुझे काटने को पड़ गई थी, पापा को नहीं काटनी वैसे। ये रही इसकी जो शेड बोल रहा था मैं, ये इसका डोर है और यहाँ पे कंबल लगा रहता है। अभी थोड़ी देर में हम वो जलाएंगे और आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। ये रही वो सारी चीज़ें, सो ये रहा सारा सेटअप हो चुका है, पापा ने इसके ऊपर सैनिटाइजर डाला है, इसको ये थोड़ा ड्राई भी हो जाएगा और जलने में भी आसानी रहेगी। फिर यहाँ पे मशीन पड़ी हुई थी तो अब हमने ये वहाँ पे कर दिया है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत कार्डबोर्ड पड़ा है जो हेल्प कर सकते हैं ये जलाने में, और यहाँ पे वो है कहते हैं और ड्राई लीव्स और छोटी स्टिक्स जो और हेल्प करेगा। मशीन हमने इधर की है, शू रैक और वो सब भी, और ये लाइट्स की सही लग रही है। तो बाहर बहुत ठंड हो रही है कि अभी अभी बारिश हो गया हटी है, और हाँ तो मैं आपको जो सुबह बता रहा था कि लाइट चलती है वो अभी दिखाता हूँ आपको। वो रही लाइट्स वहाँ ट्रीज पे लगी हुई है पूरी, देखो देखो ये भौंक रही है, अब पीछे आ गई
आपको जब मैं बोल रहा था भौंकने की आवाज सुनाई दी होगी, बोलिए देख, देखो देखो ठीक। अभी हमें इसको मजबूरन अंदर लाना पड़ता है कि भाई मत बहुत मत बहुत मत बहुत, पर ये फिर भी एज यूजल बाहू 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 बाहू। भाई मैं थंबनेल के लिए अभी वो मम्मा के फोन से वो कलेक्ट कर रहा था फोटोज एलवी गैलेक्सी और वो सब बहुत चीज़ों की, तो मैंने देखा, मुझे याद आया कि मेरे पास इनकी एक टग ऑफ वॉर की वीडियो है। मैं इस ये जो क्लिप अभी चल रही है उसके बाद डाल दूंगा, तो चेक इट आउट। सो द क्लिप इज देयर इन 3, 2, 1। ओके तो फिर आग बहुत अच्छे तरीके से चल गई थी वुड और सैनिटाइजर और वो ड्राई लीव्स की मदद से। और फिर मम्मा कुछ लाए थे जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा जो ये है ना उसके अराउंड छिड़का। देखो अभी पावा खोलने की कोशिश कर रहे हैं वो जो मम्मा लाए हैं, और अभी देख सकते हो आप कि मम्मा ये लगाएंगे। और फिर हमने इसके 7 राउंड्स लगाए, और फिर मैंने देखी मिठाइयाँ। ओ भाई ये रोल अप वाली मेरी फेवरेट थी, और ये बाकी ये नॉर्मल नॉर्मल सी और अच्छी थी बहुत। ओके सो दैट वाज प्रीटी मच इट। आज बहुत मम्मा तो दैट वॉज प्रीटी मच इट। आज बहुत मजा आया, और या ओके सो दैट वॉज प्रीटी मच इट। होप यू गाइस एंजॉयड, लीव अ लाइक, सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।